नहीं हो पाता है। और मैंने गैस की बात जब मेरे डॉक्टर ही नहीं आ रहा है, कोई एक सीनियर डॉक्टर देखने तक नहीं आया। मैंने सबसे अप्रोच करा था, मैंने सबसे अप्रोच करने के बाद भी कुछ नहीं आया। ये बताइए, रात डीएम साहब और कप्तान साहब यहाँ आए थे, उन्होंने आके डायरेक्शन दिया, उसका कोई असर दिखा? पीआरओ साहब ने थोड़ा बोला था कि हम आश्वासन दिया, उन्होंने थोड़ा मदद किया, और कप्तान साहब का फोन नंबर लगाया था, उन्होंने फोन उठाया नहीं था, मैं पीआरओ साहब से बात हुई थी। कुल मिला के यहाँ से ये हुआ था कि सीएमएस को फोन करिए, सीएमएस का सीएमओ को करिए, दोनों अधिकारी ने बिल्कुल नकार कर दिया। कुल मिला के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही, पूरी लापरवाही। और ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं ताजा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर का। साच को आज क्या तड़प रहे हैं, गैस के मारे बिलख रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। जिस समय हड़ताल हुई, ट्रॉमा सेंटर बंद था, तो ये लोग जमीन में ऐसी पड़े हुए थे, कोई राय दुहाई नहीं। बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। हालांकि एक बात और बता दें कि डॉक्टर, वार्ड बॉय और वर्कर जो है वो बेचारे मजबूर है, वो अपने घर से गैस थोड़ी लेकर आएंगे। गैस देगा मेडिकल कॉलेज, और वहां के प्रिंसिपल अभय सिन्हा झूठे वादे करते हैं। हम आपको विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। पुलिस कर्मियों की दो मौतें हुई, एक बेटे ने अपने पुलिस कर्मी बाप को खोया, और एक बेटे ने अपनी मां को खोया। दोनों पुलिस कर्मी, एक पुलिस लाइन का पुलिस कर्मी विनोद कुमार, और आपको बता दें पुलिस लाइन के ही पुलिस कर्मी ने अपनी मां को खोया। और यहां जब अभय आने के बाद ने पूछा तो ये लोग तड़प रहे थे, गैस नहीं मिल रही थी, उसके बाद में हड़ताल हो गई। हालांकि फिर हम बता दें, जो स्टाफ था उसको भी कम कर दिया गया, स्टाफ भी कम है, बेड भी नहीं है, गैस भी नहीं है। बस से बदतर हालात है, मरने वालों की संख्या आज हुई 13। कोरोना से मौत से मरने वालों की संख्या 13 हुई। हमने जब पूछा तो लोगों ने विस्तार से हमें बताया, और जब बताया तो होश उड़ गए। और उसी बीच तीमारदार से तू तू मे में हुई, और स्टाफ ने डाल दिए ताले, लेकिन ये रह गए अंदर, जमीन में अभी भी पड़े हुए हैं, कोई राय दुहाई नहीं। और मरने वालों की संख्या हुई 13। कोरोना से आज मरने वालों की संख्या 13 हुई है। विस्तार से हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। 13 संख्या 13 हुई। शमशान घाट में शोले निकल रहे थे आग के, पूरा शमशान घाट धुएं से भरा हुआ था। लकड़ी वालों ने पैसे बढ़ा दिए, 8,000 रुपए लेने लगे हैं एक चिता के मई लकड़ी के। अंधे नगरी चौपट राज, और शव आज भी रखे, अभी भी रखे शव गृह में, लेकिन हड़ताल हो गई। हड़ताल जब हो गई तो तड़प तड़प के दो लोगों ने जान दे दी, जिसमें एक इरफान भी शामिल है। लेकिन फिर हम आपको बता दें कहां है गैस, गैस के कारण कितनी मौतें, आगे विस्तार से सुनवाएंगे। लेकिन एक एम्बुलेंस चालक ने अपनी मानवता निभाई, जब एक पुलिस कर्मी की मां की सांसें छूट रही थी, गैस नहीं था, तो एक एम्बुलेंस चालक वीरू ने अपनी गाड़ी से गैस का सिलेंडर निकाला, और निकालकर कोविड आईसीयू तक पहुंचाया। और फिर क्या क्या हुआ, पहले ये देखिए। हालांकि ट्रामा सेंटर का जो स्टाफ था उसने भरपूर मदद करी, बाखूबी आप देख लीजिए, स्ट्रेचर खींच कर बेचारे ले जा रहे हैं आइसोलेशन में, लेकिन गैस नहीं है। अभी आगे और क्या क्या होगा, बाखूबी आप देखिए। छोटे कर्मचारियों की कोई गलती नहीं, लेकिन बड़े कर्मचारियों की कोई सुनवाई भी नहीं। हालांकि एम्बुलेंस चालक वीरू से हमने पूछा कि आप सिलेंडर कहां ले जा रहे हो, तो क्या कहना था वीरू का, जरा सुनिए। तुम कहां से ले गया है? अपनी एम्बुलेंस से निकाला सरकारी। ये इन्होंने आपसे क्या कहा? उनका ये एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस का सिलेंडर दे दो,
काफी देर से ये परेशान थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। आपने अपनी गाड़ी में से दिया? गाड़ी में से निकाल कर दी। और इसी बीच पुलिसकर्मी की माँ की सांसें छूट गई, दुनिया से चली गई, और उसके बाद उनका शव सीधा आया गर्रा स्वर्गधाम के ऊपर। और उधर आपको बता दें, शवगृह में शवों का भी अंबार लगा हुआ था, लेकिन हम सीधा आपको दिखाते हैं स्वर्गधाम गर्रा के ऊपर क्या नजारा था। आज जगह भी नहीं रही और शव रखे रहे, शवों का नंबर लगा, लेकिन फिर भी आज शव बच गए। लेकिन कुल मिला के फिर बता दें, कोरोना से 13 मौतें आज हुई हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के अलावा होम क्वारंटाइन दो लोग थे, वो लगा के 13 मौतें हुई आज कोरोना से। बस उतर जाओ फिर। और पुलिस कर्मी विनोद कुमार, जो के चर्चित काफी सालों से रह चुके शाहजहांपुर में, जो फायर ब्रिगेड में रहते थे, उनके पुत्र ने भी आरोप लगाया कि मेरे पिता के साथ डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं करा। लेकिन उधर स्वर्गधाम के अंदर नजारा देख लीजिए क्या हाल है, विस्तार से हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। पुलिसकर्मी के बेटे ने भी लगाया है आरोप, क्या आरोप लगाया विस्तार से देखिए। चर्चित जो विनोद कुमार सिंह पुलिसकर्मी, वो कौन थे आपके? फादर हो गए। अच्छा, कब क्या हुआ था, कैसे तबीयत खराब हो गई? तबीयत क्या, इनको थोड़ा सा वीकनेस वगैरह हुआ था। जी जी। वीकनेस होने के बाद मतलब अंदर से मतलब बहुत काफ़ी लड़े अपने आप को। अच्छा, बोले कि हम सेवसन बनारस में। जी जी। मेरा दोस्त वो पूरा एडमिट वगैरह कराया, बोला यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला है सर। अच्छा। बिल्कुल भी ना, हमारे ट्रीटमेंट है, हमारी खाली खाना पूर्ति है यहाँ पर जी। मगर वो क्या शॉर्टेज आता है, टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है। और मैंने गैस की बात की, जब मेरे डॉक्टर ही नहीं आ रहा, कोई एक सीनियर डॉक्टर देखने तक नहीं आया। मैंने सबसे अप्रोच करा था, मैंने सबसे अप्रोच करने के बाद भी कुछ नहीं आया। ये बताइए, राज डीएम साहब और कप्तान साहब यहाँ आए थे, उन्होंने आके डायरेक्शन दिया, उसका कोई असर दिखा? पीआरओ साहब ने थोड़ा बोला था कि हम आश्वासन दिया, उन्होंने थोड़ा मदद किया, और कप्तान साहब का फोन नंबर लगाया था, उन्होंने फोन उठाया नहीं था, मैं पीआरओ साहब से बात हुई थी। कुल मिला के यहाँ से ये हुआ था कि सीएमएस को फोन करिए, सीएमएस का सीएमओ को करिए, दोनों अधिकारी ने बिल्कुल नकार कर दिया। कुल मिला के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही। और कहा जाता है, एक झूठ छुपाने के लिए 200 झूठ बोलो, लेकिन झूठ झूठ रहता है। आगे नजारा जो हम दिखा रहे हैं वो भी हैरत अंगेज नजारा है। गैस की कमी से मरीज बैरंग वापस लौटा, और जब हमने पूछा तो बेचारे का ये कहना था कि गैस नहीं है, हमसे कहा जाओ हम जा रहे हैं, क्या कुछ कहा था, ये भी सुनिए। यहाँ ट्रामा सेंटर में कब लाए थे? कल लाए थे, फिर वापस ले गए। तो क्या कहा उन्होंने? अरे जी, अभी यहाँ रखो, आपसे व्यवस्था होगी जब लगाई जाए। मैं नहीं नहीं उनके पास। तो आप वापस ले जा रहे हो? हाँ। कहाँ ले? और कहाँ गैस जा रहे, ये देखिए, खाली सिलेंडर आए और भरे सिलेंडर ले गए। मेडिकल कॉलेज के बाहर जा रही है, बिक रही है ब्लैक में गैस। जो मेडिकल कॉलेज में मरीज है वो गैस के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मरना सबको है, मौत को सौदा करने वालों सोच लो, अगर इस समय मानवता नहीं निभाई तो परमात्मा कभी जीवन में शायद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पुरखों को भी माफ नहीं करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए।